किसी को देखन दू या मेरे शाहिद मियां। एक दीवानी मेरे शाहिद मियां की रोती थी मचलती थी, आता था जब मेला शाहिद मियां का तो बस यही कहती थी। क्या कहती थी कि बनी बनी रे जुगन। शाहिद मियां की दीवानी है, क्या कह रही देखें। जुगन कह रही है, अहे बनी बनी रे जुगन, बनी बनी रे जुगन, अहे बनी बनी रे जुगन, बनी बनी रे जुगन। सुनो, ये काम तुम्हारे हैं, मुझे करना पड़ रहा है, सीख लो, आगे जाके काम आएंगे। क्यों रईस भाई, देखो। अरे बनी बनी रे जुगन, बनी बनी रे जुगन, अरे बनी बनी रे जुगन, बनी बनी रे जुगन, बनी बनी रे जुगन, शाहिद मियां की जुगन। शाहिद मियां के कितने दीवाने हैं, जरा एक बार हाथ उठाइएगा। माशाल्लाह, आए हाय। अरे बनी बनी रे जुगनिया, हम बनी बनी रे जुगन, बनी बनी रे जुगन, बनी बनी रे जुगन, शाहिद मियां की जुगन। शाहिद मियां आदित्य भाई, ये दीवानी है। सबके सनम अपनी जगह लायक तौफीक, है सबके सनम अपनी जगह लायक तौफीक। देखिए, जब जरूरी नहीं कोई भी सिलसिला हो, जब कोई किसी से मुरीद हो जाता है, रईस भाई, जब कोई किसी से मुरीद हो जाता है तो उसे उसके सिवा कोई अच्छा नहीं लगता दुनिया में। तो वो दीवानी कह रही है, सबके सनम अपनी जगह लायक तौफीक, है सबके सनम अपनी जगह लायक तौफीक, बेदम मेरी नजरों में तो बदशाहित सनम है। मस्ती में रक्स कर रही है, पांव में पासे पकड़ी है। आदित्य भाई, पिछली साल आप शायद घुंघरू नहीं सुन पाए थे, नहीं सुने थे ना, अब सुनो मेरी जान।
दिल्ली जाओगे ये घुंघरू की खनखनाहट कानों में लेके जाओगे। अभी 17 तारीख को हम दोनों आ रहे हैं, 17 नवंबर को नोएडा परिचौक में हमारा प्रोग्राम है। इंशाल्लाह मैं फोन करूंगा, आप जरूर आइएगा। हम दोनों का प्रोग्राम है, मेरा सनम वारसी का शादी का प्रोग्राम है, आइएगा जरूर। अब वो दीवानी मस्ती में रक्स कर रही है, पाँव में बाजे बंदे हैं, बड़े घुंघरू की आवाज किस तरह बसती है। बेटा मीठा रखना एकदम, हाँ ज्यादा तीखा नहीं। और बनी बनी रे चुगनिया हम बनी, पाँव में पाजेब किस तरह बसती है। बनी बनी रे चुगनिया हम बनी, तंज नहीं कर रहा हूं रईस भाई, माशाल्लाह सब लोगों को सुनते रहते हैं आप, ये तो वलियों का करम है जो टूटा फूटा गा लेते हैं, आप लोगों को खुश कर देते हैं। घुंघरू बहुत से लोग बजा रहे हैं, जो बजाने वाले थे वो तो अल्लाह को प्यारे हो गए। उस्ताद एहसान भारती साहब का इंतकाल हो गया, हमारे उस्ताद मोहतरम शमीम नई मजबेरी साहब का इंतकाल हो गया, हाफिज बदनाम कानपुरी साहब जो हिंदुस्तान में सबसे पहले घुंघरू बजाए, अब सिर्फ एक ही बचे हैं हमारे चचा सलीम धनकार चचा, अल्लाह उनकी उम्र दराज करे। लेकिन आजकल के कुछ कव्वालों ने इसको खेल बना दिया है। हमारे पापा ने बहुत घुंघरू बजाए, मई में तो मेरे ख्याल से जब मैं पैदा भी नहीं हुआ तब से मई में आ रहे हैं। लेकिन आजकल कुछ कव्वाल लोग ऐसे हैं कि बस छन 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 कर ही घुंघरू बज गए। अभी माइक पर आके आप भी ऐसी बोलोगे ना तो घुंघरू बजेंगे, लेकिन जो सांस का बैलेंस होता है क्वालिटी, ये आपकी दुआओं का तलबगार हूं। क्वालिटी देखिएगा घुंघरू की जो पेश कर रहा हूं तवज्जो के साथ, कैसे अब चेंजिंग सुनिएगा, आपकी नवाजने का शुक्रगुजार हो। इस हाथ का इशारा बड़े और इस हाथ का इशारा छोटे, पहले बड़े उसके बाद छोटे, कैसे तो बच्चे, और पसंद आए तो वहां से नवाजिएगा। Ha ha ha.
बड़े कौन से थे? और छोटे कौन से हैं? महसूस हो रहे हैं ना अलग? सबसे छोटी आवाज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं पायल, वो पायल पेश कर रहा हूं। दूर से आती हुई पायल की आवाज तवच, कैसे कर रहा हूं क्योंकि अजान का वक्त बहुत नजदीक है। दूर से आती है पायल की आवाज, कैसे आ रही है देखें हम। आदित्य भाई सुनना, दूर से आ रही है। शाहिद मियां की दीवानी जब यहाँ आ गई तो शाहिद मियां को देखकर क्या कहती है, सुनिएगा तवज्जो के साथ। मुलाहिज़ा हो, वो कह रही है, क्या कह रही है कि कहीं ना जाऊंगी।